हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 1954 से 1955 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रहीं वो, और जो स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस रहे उनका क्या इम्पैक्ट रहा फर्दर टिल द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो जैसा कि मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में जब टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो असेंबली थी, रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली थी, उसको वैलिडेट किया जो हमारी फेडरल कोर्ट थी उस वक्त, फिर यूसुफ पटेल केस में जो सिचुएशन सामने आई कि 38 एक्ट्स ऑलमोस्ट ऐसे थे जिनको असेंट ऑफ गवर्नर जनरल नहीं मिली हुई थी और वो टेक्निकल ग्राउंड्स की बना पर वो भी जो है इनवैलिडेट हो गए, और फिर एक लीगल ब्रेकडाउन के चांसेस थे मुल्क में। फिर सब्सिक्वेंटली गवर्नर जनरल रेफरेंस केस हुआ जिसमें सर्टन जो है पॉइंट्स पे फेडरल कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। तो अब हम देखते हैं कि उसके बाद की क्या सिचुएशन थी। अब ये था कि चूंकि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी और नई जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस था वो उधर रुका हुआ था, तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन कॉल की जो कि इनिशियली कंप्राइज करनी थी 60 मेंबर्स पे, और उसका काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम करती एज पर दी जो उनका गवर्नर जनरल का जो ऑर्डर था उसके मुताबिक वो कॉल जब की गई। बहरहाल ये 60 मेंबर्स को बढ़ा करके 80 किया गया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन के नाम से कॉल की गई थी। अब जब फेडरल कोर्ट का वर्डिक्ट और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ और उन्होंने जो सर्टन डायरेक्शन दे दी, तो वहां पर अब कुछ चेंजेस आए। फेडरल कोर्ट ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन को कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वेंशन नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही होगी और इसकी वही पावर्स होंगी जो कि पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर उसने वर्क करना है तो उसी प्रोसेस से करना है। सिमिलरली जो 60 मेंबर्स की कॉल की थी कन्वेंशन गवर्नर जनरल ने, उसमें उसने सर्टन पावर्स अपने लिए विदहोल्ड की थी, जिसमें कुछ जो स्टेट्स थी जहां पे प्रोवेंशियल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जैसा कि खैरपुर और भावलपुर और एक्सेट्रा, वहां पर गवर्नर जनरल ने अपने पास विदहोल्ड की थी पावर के वो नॉमिनेट करेगा वहां के रिप्रेजेंटेटिव। बहरहाल जब फेडरल कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो उसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको नॉमिनेट करे, रादर ये जो है डोमेन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही कि वो ही डिसाइड करेगी कि किस सूरत हाल में उनको आना है, जहां पर आके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनना है जहां पे ऑलरेडी कोई प्रोवेंशियल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अदरवाइज तो प्रोवेंशियल लेजिस्लेचर से ही इलेक्ट होके यहां के मेंबर्स बनने थे। तो ये उन स्टेट्स के लिए था जहां पर कोई प्रोवेंशियल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। बहरहाल और ये भी कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम नहीं करती, कंप्लीट नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम 6 मंथ्स के अंदर, तो ये अस को डिसॉल्व कंसिडर की जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जो था वो लिंगर ऑन हो रहा था, वो डिले हो रहा था, तो ये प्रोविजन भी इसके लिए एग्जिस्ट कर रही थी इस असेंबली के लिए कि 6 महीने के अंदर अगर इसने काम ना किया तो ये डिसॉल्व कर दी जाएगी। बहरहाल असेंबली की जो है वो इलेक्शन हुए फिर कि इसमें कौन कौन मेंबर्स बनेंगे, तो वो सिचुएशन जरा इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। 1955 में जब ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई तो इसके मेंबर्स की सिचुएशन जो है ये डिफरेंट थी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थे, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजोरिटी थी मुस्लिम लीग की, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने ऑलरेडी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की थी और अदरवाइज सिचुएशन ऐसी थी, लीडरशिप बड़ी मजबूत थी उस वक्त, तो इजीली मुस्लिम लीग जो है वो विन कर गई थी। लेकिन इस असेंबली में चूंकि जो सिचुएशन रही, जो पावर की गेम्स चलती रही जिसमें मुस्लिम लीग ने बड़ा नेगेटिवली उसको अफेक्ट किया उसको, और उसने सफर भी किया, स्पेशली जो गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर्स के आपस के इख्तलाफात थे उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ा, और सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि इस असेंबली के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ना सिर्फ एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल करने में फेल हुई बल्कि सिंपल मेजोरिटी भी इस असेंबली में मुस्लिम लीग जो है वो हासिल नहीं कर सकी। अब इसमें सिचुएशन क्या थी पार्टी की कि 80 में से 25 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग के पास थी,
16 जो थी वो यूनाइटेड फ्रंट पार्टी जिसके लीडर थे ए के फजलुल हक, और फिर बाकी पार्टीज ने भी सीट्स हासिल की। जो थर्ड नंबर पे थे अवामी लीग थी जिसके लीडर थे उस वक्त हुसैन शहीद सरवर्दी, एच एस सरवर्दी। और बहरहाल अब चूंकि किसी की मेजोरिटी नहीं थी असेंबली में, तो फिर कोलिशन बननी थी और यूनाइटेड फ्रंट पार्टी की और मुस्लिम लीग की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, और वहां पर फिर जो है एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जो मोहम्मद अली बोगरा, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उनको वापस उनकी अपनी जो जगह थी एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वहां भेज दिया गया और नए प्राइम मिनिस्टर बन गए चौधरी मोहम्मद अली। और फिर चौधरी मोहम्मद अली की लीडरशिप के अंदर ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम हुआ और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। बहरहाल एक तो ये चीज थी। अब जब असेंबली बन गई तो इसके लिए काफी चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो इसके लिए ये था कि जो 38 एक्ट ऐसे थे जो कि उस वक्त बड़ा लीगल ब्रेकडाउन होने का खदशा था, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, और वो जो यूसुफ पटेल केस में हुआ उसमें भी यही इशू था। और फिर सब्सिक्वेंटली अब पहला काम जो उन्होंने करना था वो उनको वैलिडेट करना था। तो फिर ये हुआ कि उन एक्ट्स को वैलिडेट किया गया एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ दी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ये फेडरल लेजिस्लेचर के तौर पे भी काम कर रही थी साथ ही साथ। तो वहां पर फिर इन एक्ट्स को जो है वैलिडेट किया गया, और फिर इस पे गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा जो थे उन्होंने असेंट दी, क्योंकि जो गुलाम मोहम्मद थे वो फिजिकली इनकॉम्पिटेंट हो चुके थे, मेंटली और साइकोलॉजिकली तो ऑलरेडी इनकॉम्पिटेंट थे, उनके जो एक्ट्स थे उन्होंने ही तो इस जगह पर लाया था। लेकिन बहरहाल अब वो फिजिकली भी कॉम्पिटेंट नहीं रहे, फिजिकली भी वो एबल नहीं थे, तो फिर गवर्नर जनरल जो थे वो इस्कंदर मिर्जा बन गए 1955 में ही। तो बहरहाल वो जो एक्ट्स थे उनको भी वैलिडेट किया गया, और फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के काम की तरफ उन्होंने स्टेप लिया। और पहला काम जो था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो डिस्कस करना जरूरी है वो है वन यूनिट। यहां पर वन यूनिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो लाया गया, इससे पहले कोई वन यूनिट का कॉन्सेप्ट नहीं था। और इसकी भी हिस्ट्री है, क्योंकि बड़े डिफरेंसेस चले आ रहे थे। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था उसका ड्राफ्ट बनाया जा रहा था, तो दोनों प्रोविंसेस से बंगाल और जो हमारे इस तरफ के वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस थे इनमें बड़ी कंट्रोवर्सीज थी, तो फिर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वन यूनिट का कॉन्सेप्ट लाया गया। और जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया तो इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से ये क्रिटिसिज्म किया गया कि हम तो मेजोरिटी में हैं, और अगर आप हमें मेजोरिटी होने के बावजूद इक्वालिटी की पोजीशन देंगे ये तो हमारे हकूक की जो है वो वायलेशन है, हमारी हक तलफी है। तो उस पे बड़े उन्होंने एहतजाज किए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मेजोरिटी को जो है उसको प्रेफर किया जाए। तो उनका ये ग्रीवियंस था कि हम मेजोरिटी होने के बावजूद क्यों वेस्ट पाकिस्तान के बराबर कंसिडर किए जाएं, वो हमारी जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो उसको हम उसको मीट आउट नहीं किया जा सकता। बहरहाल उस तरफ से भी क्रिटिसिज्म था और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी क्रिटिसिज्म था। यहाँ की लीडरशिप ने भी किसी हद तक इसको अपोज किया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, और सिंध के अंदर जो अब्दुस्तार पीरजादा थे उन्होंने इसको बड़ा अपोज किया। और फिर जब उनकी मिनिस्ट्री खत्म की गई थी तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो वन यूनिट बनाया गया, वन यूनिट का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा किया गया, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। तो बहरहाल यहां से भी उनके सेंटीमेंट थे, क्योंकि बड़ी कल्चरल और लिंग्विस्टिक और एथनिक डाइवर्सिटीज थी, तो यहाँ के लोगों ने भी किसी हद तक इसको अपोज किया कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। और इसमें सर्टन पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि कल्चरली और जो लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे भी सर्टन की सपोर्ट होती है। तो बहरहाल उन्होंने भी बड़ा इसको अपोज किया, लेकिन चूंकि जर्नली लोगों ने इसको मान लिया था तो वन यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया, और वन यूनिट यहां पर हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया। अब ये तो वन यूनिट की हद तक हो गया। इसके बाद जो इश्यू आया वो था अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का, कि अब हमने प्रॉपरली एक आइन बनाना था जो कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल हो गई थी और जिस बेस पे सपोजिटली हमारी जो असेंबली है वो भी डिसॉल्व की गई थी। बहरहाल इस असेंबली के लिए एक आसान काम यह था कि मोस्ट ऑफ द वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उन्होंने उसी को काफी हद तक इनहेरिट किया, और ऑलमोस्ट 245 आर्टिकल्स के अंदर हर जगह पर जितने भी उनके आर्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें हर जगह पर वो पुरानी
जो हमारी ड्राफ्ट था उसकी झलक नजर आती थी, और वहां पर उसको एडॉप्ट किया गया, क्योंकि उस वक्त तो ऑलरेडी कमेटीज बनाई गई थी, फिर सब कमेटीज बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उनकी बेसिस पे ड्राफ्ट बनाया गया। तो यहाँ पर अपेरेंटली और ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि वो कमेटीज बनाते और उनकी रिपोर्ट्स मांगते, तो इस वजह से ये एक आसानी रही इनके लिए कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द वर्क जो था उसका, पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको अडॉप्ट किया और एक ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया। लेकिन इस ड्राफ्ट पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म था, ये नहीं था कि बहुत आसानी से ये बन गया, यहाँ पे भी बड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे। और जब ये ड्राफ्ट पेश किया गया तो ऑलमोस्ट 66 आर्टिकल्स ऐसे थे जिसपे बड़ी अपोजिशन हुई, और इस अपोजिशन में जो जो पॉइंट्स थे बेसिकली वो इलेक्टोरेट का था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जो माइनॉरिटीज और रिलीजियस क्लासेस थी, रिलीजियस जो पार्टीज थी उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आया इस बात पे, जो और दोनों ने धमकाने की कोशिश की एक दूसरे, जो 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 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है एजिटेशन हुई, और पार्टीज ने एक दूसरे को जो एक तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके तहत उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की कि वॉकआउट करेंगे, और ये जितने भी उनके टैक्टिक्स थे वो तमाम मामला उस वक्त हुए। और लेकिन चूंकि एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट ये था कि 6 महीने का टाइम था कि 6 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था जिसकी बेस पे जो सर्टन कंट्रोवर्सीज थी उन्हें प्रॉम्प्टली और फौरी तौर पे जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता रहा, कि वो जो टाइम लिमिट हमारे पास है वो टाइम हमारा जो है वो जाया ना हो, और ये ना हो कि हम इसी तजबजब में रहें और हमारी असेंबली जो है फिर से इस्कंदर मिर्जा जो है वो तोड़ दें, या फिर अज खुद हमारा 6 महीने का टाइम पूरा और हम हमारी असेंबली डिजोल्व हो जाए। बहरहाल ये तमाम मामला उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे, और उन्हें इस चीज का भी जहन में तो बात थी कि जो जुडिशरी है उसका क्या कंडक्ट होगा, क्योंकि जजेस तो ऑलरेडी उनके वर्डिक्ट ऐसे आए हुए थे कि एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उन्होंने ओरिजिनेट कर दिया था, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से एलियन था, हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसको अडॉप्ट करके किसी भी उनके एक्ट्स को वैलिडेट तो किया। तो ये तमाम एलिमेंट्स उस वक्त की पॉलिटिकल जो पार्टीज थी या पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनके जहन में था, तो उनके लिए मजबूरी थी कि वो प्रॉम्प्टली और फौरी तौर पे उन मामलात को हल करते और मुल्क के लिए कोई आइन तैयार करते। बहरहाल इन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे, जैसे कि सब्जेक्ट्स जो थे कंट्रोवर्शियल, जैसा कि ये इलेक्टोरेट का मैंने बताया, फिर प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होंगी, फिर वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होंगी, तो ये तमाम मामलात थे, इन पे डिस्कशंस की गई, इन पे डिबेट्स की गई फॉर सम टाइम, और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इनको सॉर्ट आउट करके एक ड्राफ्ट जो है वो उसको फाइनली फिर उसको अप्रूव किया गया और वो प्रेजेंट किया गया, और फिर हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया, और 23 मार्च को ये प्रॉपरली हमारे मुल्क में इम्पोज हुआ। तो ये था इस वक्त तक की पॉलिटिकल सिचुएशन। अब हम देखेंगे कि आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या एलिमेंट्स थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाया, क्या एलिमेंट्स थे कि जिनके जो इसके बाद हमारे ऊपर असरअंदाज हुए, और आइन भी आ गया, वो जो एक बात थी कि आइन नहीं था, आइन भी आ गया, फिर भी हमारा आइन क्यों तो टूटा, और फिर हमारे सर्टन पोलिटिकल चेंजेस क्या रही। तो आज तक के लिए इतना ही कि 1955 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस थे उनका क्या जो है उनका क्या असर रहा हमारी पोलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ पे, और फिर कैसे सर्टन, मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको बता दिया कि किन मराइल से गुजर के हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया, और उस वक्त की क्या थोड़ी बहुत जो है पॉलिटिकल चेंजेस हुई। तो मैं फिर इसको रिलेट करूंगा जब हम 1971 में डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, इन्हीं चीज़ों से रिलेट करूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।